हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माँ बेटी किचन स्टार। आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट केक और इसे हम केवल 4 इंग्रेडिएंट से बनाएंगे। और देखिए कितना बढ़िया हमारा केक जो है बन करके तैयार हुआ है। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब मैं आपको केक कट करके दिखाती हूँ, देखिए कितना बढ़िया बना है। तो चलिए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने चॉकलेट फ्लेवर की कुछ बिस्किट ले ली है और ये क्रीम वाले बिस्किट मैंने ली है। इन्हें हम इस तरह से ब्रेक करेंगे और ये क्वांटिटी में 250 ग्राम है। इस तरीके से हमें इसे ब्रेक कर लेना है। आप कोई भी बिस्किट यूज कर सकते हैं, किसी भी ब्रांड का बिस्किट यूज कर सकते हैं, चाहे तो बिना क्रीम वाला बिस्किट भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने सारे बिस्किट को ब्रेक कर लिया है और अब हम इसे पीसेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक जार ले लिया है और इसमें हम इसको डाल देंगे और इसे एकदम फाइन तरीके से पीस लेंगे। हमें इन बिस्किट के चूरे को जो है छानने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम सीधे इसे मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफर करेंगे। इस तरीके से हमने सारे बिस्किट को मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि इसमें हम धीरे धीरे करके मिल्क ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने मिल्क ले लिया है। एक बार में हम सारा मिल्क ऐड नहीं करेंगे, धीरे धीरे करके ही हम मिल्क इसमें ऐड करेंगे। और जो मिल्क होना चाहिए फ्रेंड्स वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, यानी कि ठंडा ठंडा दूध हमें इसमें नहीं डालना है। इस तरीके से हम इसमें डालेंगे। तो जो दूध की क्वांटिटी है वो कम या ज्यादा लग सकती है अकॉर्डिंग टू बिस्किट के अनुसार, क्योंकि हो सकता है कि कई बिस्किट होती हैं जो दूध थोड़ा ज्यादा एब्जॉर्ब करती हैं, कुछ नहीं करती हैं। तो दूध को आप धीरे धीरे करके डालें और जितनी जरूरत हो उतना ही दूध डालें, एक बार में सारा दूध ना डालें। अब हम इसमें इनो डालने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने इनो का एक शैशे ले लिया है और इसमें हम 1 टेबल स्पून जो है इनो डालेंगे। तो ये नॉन फ्लेवर इनो है, इसमें किसी भी प्रकार का फ्लेवर नहीं होता है। थोड़ा सा इसके ऊपर हम दूध डाल देंगे जिससे ये एक्टिव हो जाएगा। अब इसके बाद हम इस बैटर में इसे मिक्स कर देंगे। इस जब इनो आप डालें तो इसे हल्के हाथों से मिक्स करें। थोड़ा दूध हम इसमें और डाल देंगे क्योंकि जो बैटर है वो बहुत ही ज्यादा थिक लग रहा है। और देखिए ये आधे कप से ज्यादा दूध इस्तेमाल हो गया है। और इस तरीके से हमारा जो बैटर है वो बन करके तैयार हो गया है। आज मैं जो है केक को हार्ट मोल्ड बनाने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पर हार्ट मोल्ड लिया है और इसमें मैंने बटर पेपर लगा दिया था। अब हम इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। और इसके बाद जो हमने बैटर बना करके तैयार किया है उसे हम इसमें पोर कर देंगे। तो ग्रीस करने और इसके बाद इसमें पोर कर दें। आप कोई भी शेप का केक बना सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसे किसी कटोरी में या फिर पतीले में भी कुक कर सकते हैं। बैटर को इस तरह से ट्रांसफर करने के बाद हम इसे एक बार ट्रैप कर देंगे अच्छे से, ताकि जो एयर बबल्स है वो निकल जाएं। और अब मैंने यहाँ पर 10 मिनट पहले से ही कढ़ाई को प्री हीट होने के लिए रखा था ढक करके। तो अब प्री हीटेड कढ़ाई में हम इसे मोल्ड को इस तरह से रख देंगे, प्लेस कर देंगे। अब इसके बाद इसे कवर करेंगे और कवर करने के बाद हम इसे 40 से 45 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाएंगे। और आप देखिए केक कितना बढ़िया कुक हुआ है, बहुत ही बढ़िया कुक हो रहा है। इस तरीके से हम इसे अच्छी तरह से कुक करेंगे और अब हमारा जो केक है वो पूरी तरीके से कुक हो चुका है। चॉकलेट हमने क्योंकि एक क्रीम वाली बिस्किट यूज की थी इसलिए इसका कहीं कहीं पे कलर डल भी आया है। अब हम इसे चेक कर लेंगे। तो एक स्टिक की मदद से हम इसे अंदर घुसाएंगे। अगर ये पूरी तरीके से क्लीन निकल रही है तो समझिए आपका जो केक है वो बिल्कुल तैयार है। अगर आपके पास स्टिक नहीं है तो आप नाइफ की मदद से भी इसे चेक कर सकते हैं। अब हम केक को पूरी तरीके से ठंडा करेंगे, इसके बाद ही हम इसे अनमोल्ड करेंगे। और देखिए हमारा जो केक है वो कितना बढ़िया बनकर के तैयार हुआ है और कितना स्पंजी बना है। इस तरीके से हम इसका जो बटर पेपर है उसको रिमूव कर देंगे। और अब मैं आपको केक को नजदीक से दिखाती हूँ कि कितना बढ़िया हमारा जो केक है वो बन करके तैयार हुआ है। एकदम सॉफ्ट है और बिल्कुल जालीदार हमारा जो केक बन रहा है। अब हम इसे 2 पीसेस में इस तरह से कट करेंगे, इस तरह से हाफ हम इसे कट कर लेंगे। ओ ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें बीच में जो है चॉकलेट का स्पॉट है वो इसलिए है क्योंकि हमने क्रीम बिस्किट यूज किया था। और ऊपर से भी हम इसका लेवल जो है वो बराबर कर देंगे। अब हमने यहाँ पर पहले से ही पानी गर्म होने के लिए रखा था एक सॉस पैन में, उसके ऊपर हम एक बॉल रखेंगे और उसके अंदर हम डाल देंगे डार्क चॉकलेट। तो इस तरीके से चॉकलेट को हम मेल्ट करने वाले हैं और इसे हम आज चॉकलेट से ही पूरा बनाने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो केक है वो चॉकलेट फ्लेवर का केक है। और इस तरीके से हमारी चॉकलेट है वो मेल्ट हो गई है।
अब हम इसे इस तरह से चलाएंगे और इसका जो टेम्परेचर है वो रूम पे रख लेंगे और इसके बाद हम इसमें दूध डालेंगे। तो इस तरीके से जब आप रूम टेम्परेचर का दूध इसमें डालेंगे और चॉकलेट भी आपकी रूम टेम्परेचर पे होगी तो ये इस तरह से कंबाइन हो जाएगा। तो अब हम एक क्या करेंगे, एक नोजल ले लेंगे और एक पेपिन बैग, उसमें हम इसको डाल फिल करके रख लेंगे। अगर आप इसे और अच्छी तरीके से फिटेंगे तो ये बिल्कुल लाइट सा हो जाएगा, लेकिन मुझे इसी तरीके का टेक्सचर इसके लिए चाहिए है। अब हमने क्या किया है कि बाकी की मेल्ट की हुई जो चॉकलेट है उसे हमने गर्म दूध में, 2 चम्मच गर्म दूध उसमें डाला था, इसके बाद हम उसे इस तरह से फैला रहे हैं। अगर आप खाली चॉकलेट डाल देंगे तो चॉकलेट आपकी जम जाएगी। तो जब चॉकलेट गर्म करें इसके बाद उसमें 2 चम्मच गर्म गर्म दूध डाल दें, इससे जो हमारी चॉकलेट है वो जमेगी नहीं और इस तरह से आप इसे सजा सकते हैं। तो देखिए मेरी जो चॉकलेट है वो जम नहीं रही है क्योंकि मैंने चॉकलेट में 2 चम्मच गरम गरम दूध डाला था। तो अगर आपको चॉकलेट को थिक करना है तो आपको पहले हल्की सी ठंडी हुई चॉकलेट में उसमें आप ठंडा दूध डालेंगे, और अगर आपको इस तरह से लिक्विड फॉर्म में चॉकलेट चाहिए है जो कि जमे नहीं तो उसमें आप गर्म दूध डालेंगे। इसके बाद जो हमने चॉकलेट से बना करके तैयार किया था उसे हमने जिसे हमने नोजल में भरा था उससे हम इस तरीके से इसे डेकोरेट कर देंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार इसे डेकोरेट कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर इस तरह से एक एक चॉकलेट चिप्स लगा देंगे। तो यहाँ पर मैं व्हाइट चॉकलेट चिप्स लगा रही हूँ ताकि ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगे। साथ में थोड़े से खाने वाले जो मोती होते हैं उसे हम इस तरीके से बीच में डाल देंगे। तो देखिए हमारा जो केक है वो बन करके बिल्कुल तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं हम एक और नई रेसिपी के साथ।